तो पत्तों का भी एक पूरा साइकिल होता है, स्प्राउटिंग होता है, इस तरह पत्ता निकलता है, मैच्योर होता है, फिर धीरे धीरे पीला पड़ के गिरने लगता है। पर यह प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, और इससे पहले ही यहाँ मॉनसून आ गया है तो यहाँ न्यू स्प्राउटिंग आने लगी है। तो हम पौधे को यहाँ हेल्प कर सकते हैं उसकी पत्तियाँ गिरा कर, तो फिर एक अच्छे से प्लांट ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आज डिफोलिएशन कर दूंगा। तो जब हमें पता है दोस्तों कि अब यही होने वाला है, तब हम डिफोलिएशन कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि मैं बार बार डिफोलिएशन करूंगा तो फिर प्लांट की एनर्जी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो मैं स्प्रिंग में किया होगा इसका डिफोलिएशन, फिर ग्रोथ आ गया, फिर हम पिंचिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर तब दूसरी बार भी स्प्रिंग में 2-3 बार डिफोलिएशन करके हम ग्रोथ ले ले, ऐसा मैंने एक बार किया था फाइकस के साथ। फिर वो ऐसा डाउन गया कि उसने ग्रोथ ही स्टार्ट नहीं किया, और वैसे फाइकस कभी कभी डोरमेसी में नहीं जाते, वो चला गया था, फिर बहुत ही देर से जागा। तो इसकी वजह से यानी डिफोलिएशन बार बार करने से हमने ग्रोथ लिया, तो प्लांट में जो उसकी इम्यूनिटी होगी वो समाप्त हो गई थी। तो यहाँ हम कर रहे हैं डिफोलिएशन, जिससे क्या होगा, बहुत ही फास्ट ग्रोथ करने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, कुछ दिनों में थोड़ा ग्रोथ मैच्योर हो जाएगा तो फिर हमें करना होगा उसका ट्रिमिंग, या यहाँ इतनी लंबी ब्रांच है तो उसको हम अभी भी ट्रिम कर सकते हैं, थोड़ी शॉर्ट करनी है। यहाँ मैंने निकाल दी है सभी अनवांटेड ब्रांचें पहले ही, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट किया था इस प्लांट को मैंने। ये स्पॉट पे था तभी से मैं उसको कुछ ट्रिमिंग वगैरह करके आया था। ये देखिए, यहाँ सील भी दिया था, इधर देखिए, यहाँ पूरा ब्राक को मैंने निकाल दिया था, तो ये सब हीलिंग हुआ है। और ये जो ब्रांचिंग है वो पहले से थी, और ये बिल्कुल नहीं थी, वो हमने क्रिएट की है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम अच्छे से प्लांट को बैलेंस करना जानते हो। अब यहाँ टॉप ब्रांचों में हम ट्रिमिंग कर करके इस तरीके से प्लांट को अच्छे से मूवमेंट दिलाएंगे। धीरे धीरे प्लांट ये मैच्योर होगा, इतना फास्ट ग्रोथ नहीं करेगा ये, क्योंकि सीजनल टाइप का है, यानी ये डोरमेसी में जाता है तब थोड़ा ग्रोथ रुक जाता है, अभी विंटर तक थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता रहेगा दोस्तों। स्प्रिंग में उसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया, उसने जो भी लीफ आई थी नई, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, पर इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो जाता कि बहुत मोटा हो गया इसके तने वगैरह, थोड़ा स्लो रहता है क्योंकि पॉट में है। तो यहाँ डिफोलिएशन के बारे में पूरी जानकारी ले ले तो अच्छा है, क्योंकि डिफोलिएशन से प्लांट को ग्रोथ करने का सिग्नल मिलता है, यानी मॉनसून की शुरुआत हुई है तो इसमें नया ग्रोथ आया है। फिर एक बार इसमें एक डिफोलिएशन वाला प्रोसेस कर सकते हैं गुजरते मॉनसून में दोस्तों, अक्टूबर के बाद लगभग वही एक सीजन आता है, तब अचानक से इस तरह से डिफोलिएशन वाला मौसम आ जाता है पतझड़ का, और फिर स्प्रिंग्स भी आता है, इंस्टेंट आता है, फिर अचानक से फिर मौसम बदल जाते हैं, फिर ठंडिया चालू हो जाती है, तो फिर से ग्रोथ रुक जाता है और प्लांट फिर से डोरमेसी में चले जाएंगे। तो प्लांट के किस ऋतु में कैसा ग्रोथ है वो सब भी हमें समझना पड़ता है, कब कैसा ग्रोथ कर सकता है प्लांट, उसका प्रिडिक्शन जैसे करना है तो हम ट्रेनिंग के दौरान होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। जैसे कि किसी ने शुरुआत में लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं कब काम करूंगा कर करके, वो विंटर में भी कभी कभी रिपोर्टिंग वगैरह करने लगते हैं, कभी कभी प्लांट बच भी जाता है, पर विंटर ग्रोथ का सीजन नहीं है तो प्लांट जा भी सकते हैं। तो कौन से सीजन में क्या वर्क करना है वो भी आपको पता होना चाहिए।
और कुछ एक्सपीरियंस जो होता है काम करते करते उससे भी सीखना होता है। कोई गलती है करते हैं तो उसको दूसरी बार वो गलती ना हो, और ऐसे करते करते ही आपके पास एक एक्सपीरियंस बनता है, तो फिर आप गलतियां करना छोड़ देते हैं और प्लांट अपने आप अच्छे दिखने लगते हैं। दोस्तों वक्त लगता है, बट वो टाइम मैं कई बार कह चुका हूँ, क्वालिटी टाइम होता है दोस्तों। और पर्टिकुलर एक प्लांट के लिए वक्त नहीं लगता है, यहाँ आपके पास कई सारे प्लांट हो सकते हैं, उन सब के लिए वक्त एक साथ चलता है। तो पर्टिकुलर प्लांट के लिए 5 साल लग गए ऐसा नहीं है, आपके पास तब तक कुछ और भी प्लांट होंगे, वो भी ट्रेन हो रहे होते हैं। तो आप कब स्टार्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ बीच में कोई ब्रांच नहीं रखनी है मुझे, इस मेन स्टेम में कुछ ब्रांच आई है वो निकाल लेंगे। ये जो बीच में ब्रांच आई है ये हाइट वाला प्लांट है, बच्चों देखिए बहुत ही हाइटेड प्लांट है, लगभग 3 फीट से भी ज़्यादा। तो डिफोलेशन कर लिया है दोस्तों, अब एक कंडीशन है कि हम इसको ऐसे ही ग्रोथ करवाने देंगे, यानी करने देंगे, तो ये कुछ ना कुछ जगह से थिकनेस बढ़ाएगा अपनी, इसलिए मैं अभी ट्रिमिंग नहीं करने वाला। अगर ट्रिम कर दिया तो फिर उसी वर्क में लग जाएगा कि वो न्यू ग्रोथ लाने में लग जाएगा, तो ये उसका लिमिटेड पीरियड होता है ग्रोथ का भी, तो इसलिए उसको थोड़ा ग्रो करने देते हैं। उसकी कैनोपी भी ठीक ठाक है, और ये मैंने एक दूसरी भी ब्रांच रखी है, स्टाइल की बात करेंगे तो ये कुछ अलग ही है, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इस तरह से मैं स्टाइल कर रहा हूँ। ये लिटरेटरी भी नहीं कह सकते, कुछ अलग ही है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ मूवमेंट भी दिया जाएगा दोस्तों, या ऐसे ही नेचुरल स्टाइल से भी हम कर सकते हैं। ब्रांचिंग तो बेहतर से बेहतर है, हम यहाँ और ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाएंगे, बट पहले कुछ दिनों तक मैं उसको ग्रो करने देता हूँ, जिससे इसमें थिकनेस आएगी दोस्तों। अगर बार बार ट्रिमिंग ही करते रहें तो फिर वो थिकनेस नहीं बढ़ेगी। यहाँ मैच्योरिटी भी ज़रूरी है दोस्तों, इस तरह ब्राक फटने लगती है, हीलिंग होने लगता है वगैरह, ये मैच्योरिटी के साइन है दोस्तों। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।